बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे एफ ड्राइव में मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं टेक्स्ट फाइल्स के रूप में, माई फाइल 2, 3 और 4। यदि मैं इनको एक साथ कॉपी करना चाहता हूँ किसी दूसरी जगह पे तो वो भी कर सकता हूँ आसानी से। जैसे कि यहाँ से मैं इन सबको सेकंड में कॉपी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास कमांड अवेलेबल है कॉपी। इसके लिए मैं यहाँ पर कॉपी और यहां से मैं उस पर्टिकुलर फाइल का नाम दे सकता हूं जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूं। फाइल के नाम के बाद जहां मुझे कॉपी करना है उसकी जानकारी, अब देखें यहां मैंने जानकारी दी है कि कॉपी करें मेरी फाइल को, मेरी फाइल का नाम myfile.txt है और मुझे कॉपी करना है एफ में सेकंड में। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास जो मैसेज मेरे पास अवेलेबल है वो वन फाइल कॉपीड के रूप में है। मैं यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर में जाकर सेकंड को खोल लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ भी एक फाइल अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं किसी भी फाइल को। परंतु यहाँ पे मैं वाइल्ड करेक्टर का प्रयोग करते हुए एक साथ काफ़ी सारी फाइल्स को कॉपी या मूव भी कर सकता हूँ। वाइल्ड करेक्टर में स्टार और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं सभी टेक्स्ट फाइल्स को कॉपी करना चाहता हूं थर्ड फोल्डर के अंतर्गत, तो इसके लिए मैं कॉपी स्टार डॉट टेक्स्ट, इसका अर्थ यह है कि फाइल का कोई भी नाम हो परंतु उसकी एक्सटेंशन या टाइप ऑफ फाइल टेक्स्ट होनी चाहिए, सबको कॉपी किया जाए और कहां रखा जाए वो जानकारी दे सकता हूं मैं। जैसे एफ ड्राइव पे थर्ड फोल्डर के अंतर्गत, जैसे ही मैं एंटर करता हूं आप देखेंगे चारों फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं क्योंकि सभी फाइल्स टेक्स्ट टाइप की हैं। इसी कारण से डायरेक्टली उसको कॉपी कर दिया गया है थर्ड फोल्डर में। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डॉट से पहले स्टार का अर्थ है कि फाइल का नाम कुछ भी हो हम उसको कॉपी करेंगे और उसको थर्ड में पेस्ट कर देंगे। इसके अतिरिक्त यदि मैं किसी खास नाम से शुरू होने वाली फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कॉपी एम स्टार डॉट स्टार, इसका अर्थ यह है कि नाम एम से शुरू हो आगे चाहे कुछ भी हो, डॉट स्टार, डॉट स्टार का अर्थ है कि एक्सटेंशन उसकी कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर मैं यहां पे ये कमांड अप्लाई करता हूं एफ में और सेकंड में, तो एम से शुरू होने वाली कोई भी फाइल किसी भी टाइप की हो, जैसे अभी मेरे पास केवल टेक्स्ट फाइल्स हैं परंतु यदि किसी और प्रकार की फाइल्स भी हों तो वो भी कॉपी हो जाएंगी। जैसे ही एंटर करता हूँ देखें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेकंड में एक फाइल पड़ी हुई है तो मेरे पास ये जानकारी मांगी जा रही है कि क्या मैं उसे ओवरराइट करना चाहता हूँ। मैं यस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसी के साथ ही बाकी फाइल्स को कॉपी कर दिया गया है क्योंकि सभी फाइल्स का नाम ऑलरेडी एम से है, तो सभी फाइल को कॉपी कर दिया गया है सेकंड वाले फोल्डर में। आइए हम इसकी जानकारी यहाँ से लेते हैं, एफ में सेकंड फोल्डर देखें तो इसमें भी सभी फाइल्स कॉपीड हैं और थर्ड देखें तो इसमें भी सभी फाइल्स कॉपीड हैं। तो इस प्रकार आसानी से मैं वाइल्ड करेक्टर का प्रयोग करते हुए अपनी फाइल्स को कॉपी कर सकता हूं। अब यदि यहां देखें तो एफ ड्राइव के अंतर्गत सेकंड जो फोल्डर है उसके अंतर्गत मेरे पास यहां पे चार फाइलें अवेलेबल हैं जो माई फाइल के नाम से हैं, फाइल 4, 3, 2 और 1 वाली, माई फाइल 4, 3 और 2 वाली। अब मान लीजिए सभी को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कमांड है डिलीट, DEL से स्टार्ट होगी कमांड। वो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए यहां से मैं उस फाइल का नाम लिख दूंगा myfile.txt। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास अब की बार अगर मैं डायरेक्टरीज देखता हूं तो आप देखेंगे कि माई फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। आप देखेंगे ऊपर ही अवेलेबल थी लेकिन अब यहां अवेलेबल नहीं है। डिलीट के साथ मैं सभी फाइल्स को इकट्ठा डिलीट भी कर सकता हूं। उसके लिए मैं डिलीट कमांड, फिर से वाइल्ड कार्ड करेक्टर स्टार डॉट स्टार, किसी भी नाम की फाइल और किसी भी एक्सटेंशन की फाइल। पहला स्टार नाम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्टार जो है वो एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एंटर करता हूँ मेरे से जानकारी मांगी जा रही है कि क्या सभी फाइलें डिलीट करनी है। मैं यस कर देता हूँ यहाँ से और फाइनली अब डायरेक्टरी में देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार डिलीट कमांड का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। आप यदि फाइल एक्सप्लोरर पे जाएं, यहाँ यदि एफ ड्राइव पे जाएं, सेकंड फोल्डर को क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए इन सभी फाइल्स को जो मेरे पास एफ ड्राइव में अवेलेबल हैं सेकंड में मूव करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास मूव कमांड अवेलेबल है जिसका प्रयोग करेंगे हम।
यदि मैं F ड्राइव के अंतर्गत बनी हुई M से स्टार्ट होने वाली टेक्स्ट फाइल्स को मूव करना चाहता हूँ सेकंड फोल्डर के अंतर्गत, तो वो भी आसानी से कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास कमांड है मूव, MOVE। आगे मुझे जानकारी देना है कि कौन सी मेरी फाइल है, तो स्टार डॉट स्टार करके मैं कहता हूँ कि सभी फाइल्स को कॉपी कर दिया जाए। कहाँ पे कॉपी करना है, फिर उस फोल्डर का पाथ जो कि F ड्राइव में सेकंड फोल्डर के रूप में है। जैसे ही हम एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि सभी फाइल्स को मूव कर दिया गया है। ये जानकारी हम फाइल एक्सप्लोरर में जाकर ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ F ड्राइव में कोई भी फाइल दिखाई नहीं दे रही, परंतु सेकंड में जाएंगे तो आपको वो सारी फाइलें दिखाई देंगी जो पहले F ड्राइव पे थी। तो इस प्रकार आप आसानी से फाइल को मूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से चेंज डायरेक्टरी करके सेकंड में आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास फाइल्स जो है सेकंड में है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है रीनेम, REN। यदि मैं अपनी फाइल्स का नाम बदलना चाहता हूँ तो कमांड है रीनेम। यहाँ मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसको मुझे बदलना है, जैसे माई फाइल डॉट txt। इसका नाम बदल कर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट डॉट txt। पहले मैंने उस फाइल का नाम लिया है जिसको बदलना है, और दूसरा नाम वो है जिसमें मुझे बदलना है। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब डायरेक्टरी में जाकर फिर से चेक करता हूँ फाइल्स को। और डायरेक्टरी में जाकर फिर से फाइल्स को चेक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉट txt नाम से फाइल है जिसको रीनेम किया गया है। आप चाहें तो एक साथ भी इन सभी फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं फिर से वाइल्ड कैरेक्टर का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ यदि हम फाइल एक्सप्लोरर पर आकर देखें, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम की फाइल है जो पहले माई फाइल के रूप में अवेलेबल थी। तो इस प्रकार मैं आसानी से रीनेम भी कर सकता हूँ अपनी फाइल्स को। आप चाहें तो यहाँ से किसी एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं डायरेक्टली स्टार्ट कमांड के द्वारा। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइप कर देता हूँ, और जिस सॉफ्टवेयर को मुझे खोलना है उसका नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे नोटपैड। जैसे ही एंटर करूँगा, आप देखेंगे कि नोटपैड मेरे पास खुल गया है। तो इस तरह से मैं स्टार्ट कमांड के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल भी सकता हूँ। इसमें मैं किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज को भी खोल सकता हूँ। उसके लिए मुझे फिर से स्टार्ट लिखना है, और उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, और फिर एंटर कर देना है। आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज में डायरेक्टली उस वेबसाइट को खोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे वेबसाइट खुल गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली वेब पेजेस, वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर भी खोल सकते हैं। इस प्रकार आप इसके लिए स्टार्ट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी मुख्य मुख्य कमांड्स हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं डॉस मोड में, और ये MS-DOS की मुख्य कमांड्स हैं।